इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। दुनिया के दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली फ्री वाईफाई सेवा को अब बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि 400 से ज्यादा स्टेशन पर मुफ्त में मिलने वाली वाईफाई सेवा को बंद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि टेलीकॉम बाजार में डाटा प्लान कम कीमत के साथ उपलब्ध है, तो ऐसे में अब लोगों को मुफ्त में वाईफाई की सेवा देने की जरूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गूगल ने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे के साथ मिलकर इस योजना की शुरुआत की थी। गूगल ने अपने आधिकारिक ब्लॉग में लिखा है कि भारत में अब इंटरनेट पहले की तुलना में काफी किफायती हो गया है, साथ ही हर व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग आसानी से करता है। इसके अलावा ट्राई ने बीते 5 सालों में डाटा प्लान्स की कीमतों में करीब 90% की कटौती की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में भारतीय उपभोक्ता हर महीने करीब 10 GB डाटा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ये आंकड़ा 10 GB से बढ़कर अब 20 GB तक पहुँच जाएगा। भारत में वाईफाई प्रोग्राम की सफलता को देखते हुए गूगल ने इसे अन्य देशों में भी पेश करने का फैसला लिया है, लेकिन अब कंपनी इस योजना को भारत में बंद करने जा रही है। हालांकि गूगल इस योजना को धीरे धीरे बंद करेगी। बता दें कि गूगल ने 2015 में फ्री वाईफाई योजना की शुरुआत की थी और इसके लिए कंपनी ने भारतीय रेलवे और रेलटेल के साथ साझेदारी की थी। वही अब भी 400 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मुफ्त वाईफाई की सेवा दी जा रही है। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।